नमस्कार दोस्तों, डिवाइन प्रभु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम ईश्वर से आपके मंगलमय और हितकारी जीवन की कामना करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको सिखों के 10वें गुरु की जो बातें बताने जा रहा हूं, अगर आपने उनको अपने जीवन में ढाल लिया तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और आखिरी गुरु थे। 20 जनवरी को देशभर में उनकी जयंती को प्रकाश पर्व के तौर पर मनाया जाता है। गुरु गोविंद सिंह एक महान योद्धा, भक्त और आध्यात्मिक नेता थे। उन्होंने 1699 को वैसाखी के दिन गोविंद जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। गुरु गोविंद सिंह ने मुगलों से 14 युद्ध लड़े और उन्हें धूल चटाई। कई बार तो मुगल सेना ने उन्हें छल से भी पकड़ना चाहा, लेकिन फिर भी वे नहीं पकड़े गए। एक महान योद्धा और आध्यात्मिक गुरु होने के कारण उन्हें संत सिपाही भी कहा जाता है। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों की पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब को पूरा किया था। गुरु गोविंद सिंह ने हमेशा लोगों को प्रेम, एकता और भाईचारे का संदेश दिया। सरल, सहज और भक्तिभाव वाले कर्मयोगी गुरु गोविंद सिंह ने 7 अक्टूबर 1708 में दुनिया को अलविदा कह दिया। सिख धर्म को मानने वाले उनकी जयंती को गुरु पर्व के तौर पर मनाते हैं। इस दौरान वे गुरुद्वारे में विशेष प्रार्थना और गुरबाणी का पाठ करते हैं। इसके साथ प्रभात फेरी निकालते हैं और बड़े पैमाने पर जगह जगह कीर्तन का आयोजन किया जाता है। गुरु गोविंद सिंह की जयंती के मौके पर जानते हैं उनके ऐसे अनमोल वचन जो आज भी लोगों को प्रेरणा देते हैं। तो चलिए बताता हूं क्या है। नंबर 1, 1,25,000 से एक लड़ाऊं, चिड़ियन ते मैं बाज तुलाऊं, तबे गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। दूसरा, अगर आप केवल अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं तो आप अपने वर्तमान को खो देंगे। तीसरा, जब आप अपने अंदर बैठे अहंकार को मिटा देंगे तभी आपको वास्तविक सुख शांति मिलेगी। चौथा, अपनी जवानी, जाति, कुल, धर्म को लेकर घमंड होने से बचें। पांचवा, किसी की चुगली, निंदा से बचें और किसी से ईर्ष्या करने के बजाय मेहनत करें। छठा, ईश्वर ने हमें जन्म दिया ताकि हम संसार में अच्छे काम करें और बुराई को दूर करें। सातवा, असहाय पर अपनी तलवार चलाने के लिए उतावले मत हो, अन्यथा विधाता तुम्हारा खून बहाएगा। आठवा, अपनी जीविका ईमानदारी पूर्वक काम करते हुए चलाएं, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दान में दें। नवा, जब बाकी सभी तरीके विफल हो जाए तब हाथ में तलवार उठानी चाहिए। और 10वां, दिन रात हमेशा ईश्वर का ध्यान करें। तो दोस्तों, आशा करता हूं मेरे द्वारा बताई गई यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी ही अलौकिक और अद्भुत कहानी जानने के लिए हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई पौराणिक कथा के साथ। तब तक ईश्वर से हम आपके हितकारी और मंगलमय जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।